नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है। कल याचिका लगाई गई थी जिसकी आज सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई में क्या रहा है, क्या अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और सच्चाई से अगर आपको विश्वास के साथ कोई खबर देखनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि न्यूज तो बहुत जल्दी आपको मिल जाती होगी और जो न्यूज आपको मिलती है उसमें कुछ सच्चाई भी रहती है। मैं ये नहीं कह सकता कि सारी झूठ खबर रहती है, लेकिन एक दिमाग लगाकर या फिर कहें बहुत सोच समझ कर ऐसी ऐसी बातें पेश कर दी जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं रहता उस केस से या फिर आज की सुनवाई से। तो आपको सच्चाई जानना बेहद जरूरी है और हमारे चैनल पर जो व्यूअर जुड़े हुए हैं उनको सही खबर जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं आज के मसले की। साथियों, आपको पहले बता दें कि दो याचिकाएं लगाई गई थी और भी याचिका लगानी है। याचिका तो कम से कम 15 से 17 याचिकाएं और लगाई जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो आज तो सबसे बड़ा मसला यह था कि भी इसकी सुनवाई आगे करें भी या ना करें, क्योंकि जब भी कोई याचिका लगाई जाती है तो वो या तो उसी दिन खारिज कर दी जाती है या फिर आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। अब सरकार की तरफ से आज पैरवी की गई कि बहुत अर्जेंट सुनवाई है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी नेक्स्ट डेट दी जाए, यानी कि शुक्रवार की ही आप नेक्स्ट डेट दे दीजिए। और ये भी बताया गया कि हम दो याचिकाएं और भी लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में जज साहब ने कहा है कि आप सारी याचिकाएं लगा दीजिए, सोमवार को आपकी सुनवाई होगी, यानी कि नेक्स्ट डेट इसमें सोमवार की मिली है। अब सोमवार को भर्तियों में आगे क्या रहेगा, क्या स्टे आने वाला है या फिर और कुछ होगा या फिर फैसला सुनाने के लिए जल्दी ही और समय दिया जाएगा, जो भी होगा साथियों वो तो नेक्स्ट डेट में पता लगेगा। लेकिन सिर्फ इतनी ही बातें हुई थी, स्टे आएगा नहीं आएगा, आगे कैसे भर्तियां हो सकती हैं, ये तो आगे की सुनवाई से ही कंफर्म होगा। लेकिन सरकार ने इतना जरूर कर दिया है कि अर्जेंट सुनवाई, यानी कि छुट्टियां चली हुई हैं तो जो अर्जेंट होती हैं वही सुनवाई होने वाली है आगे। और जिस हिसाब से सोमवार को दोबारा से इसके ऊपर जो सुनवाई शुरू होगी तो लगता है छुट्टियों में भी एक दो डेट इसकी और मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि साथियों, जितनी जल्दी मामला सरकने की कोशिश की जाए उतना ही युवाओं को फायदा है। और बहुत जल्द एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें आपको कई अफवाहों के बारे में या कुछ सच्चाई भी बताया जाएगा, जिसका हिंट भी हम आपको दे देते हैं कि आखिरकार भर्ती रोको गैंग कौन है। तो इसको लेकर भी वीडियो बनाए जाएंगे। आपके सुझाव हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। फिलहाल आज कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि अर्जेंट है या नहीं है यही डिसीजन लेना था। तो फिलहाल साथियों, और जो याचिकाएं लगाई जाएगी उनकी भी सोमवार को ही सुनवाई होनी है, तो सोमवार को नेक्स्ट डेट मिली है। बाकी भर्तियों से रिलेटेड जो जो अपडेट रहेंगे वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।